देखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, अच्छा क्वेश्चन सभी का जो है वो बिल्कुल शुरुआत में लिखा हुआ है, जो पहली लाइन में इन एक्सरसाइजेस 1-8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। मुझे लाइन की इक्वेशन बतानी है जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। गिवन कंडीशंस क्या है? पांचवा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप -2। इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, इसका मतलब क्या है कि आप इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश। अब ऐसी लाइन बनानी है विच इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, मतलब यहाँ से और यहाँ तक का, ओरिजिन से और यहाँ तक का, ये जो लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, वो कितना डिस्टेंस है? 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसको आप बोल दीजिए कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू -3, और जब एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो वाई की वैल्यू होती है 0, ठीक है। और ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप कितना दे रखा है, वो बोल रहे हैं विद द स्लोप ऑफ -2, तो इसका स्लोप -2 दे रखा है, हो गया। हमको क्या मिल गया यहाँ पर, पॉइंट और स्लोप, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन आप लिखेंगे बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन, बाई यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y-y1 इज इक्वल टू m(x-x1), ठीक है। तो y-y1 इज इक्वल टू m(x-x1). y- ये जो भी पॉइंट है इस लाइन पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट मुझे मिल जाए उसको मैं x1 y1 बोल दूंगा। तो हमारा x1 हो गया -3 और y1 हो गया 0, तो y-y1 कितना हो गया 0 इज इक्वल टू m कितना है -2, स्लोप को m बोलते हैं, और x-x1 तो x-3 तो y-0 का मतलब हो गया y इज इक्वल टू -2 इंटू x-±+3, तो y इज इक्वल टू -2 इंटू x इज -2x-2 इंटू +3 इज -6। कोई भी अगर लाइन की इक्वेशन मुझे लिखनी होती है तो वो मैं ax+by+c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म के लिखता हूँ। तो इधर जो -2x है इस -2x को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो जाएगा 2x+y+6, 2x+y+6 इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन की इक्वेशन है ax+by+c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हम इसको ले। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको उस लाइन की इक्वेशन बनानी है विच इज इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है लाइन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पर ये तो हो गई वाई एक्सिस, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, लाइन बना लीजिए ऐसे, ये लाइन बन गई। अब इन्होंने बोला है कि विच इज इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, अबव द ओरिजिन जैसे यहाँ पर था टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा था टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, अब वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन अबव द ओरिजिन। इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस कितना है, ये वाई वाला डिस्टेंस हो गया ना, तो वाई की वैल्यू तो 2 हो गई, और एक्स की वैल्यू वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो 0, 2 ये तो हमारे कोऑर्डिनेट हो गए इस वाले पॉइंट पे। और ये जो लाइन है इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ये विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये इसके साथ में जो एंगल बना रही है ये कितना बना रही है लाइन 30 डिग्री, तो ये एंगल दे दिया आपको 30 डिग्री। तो हम ये कहेंगे क्लियरली
a point is given. A point is given, that is x1 comma y1. एक point दे रखा है आपको, तो x1 y1 कितना हो गया? 0 comma 2. x1 y1 हो गया 0 और 2. और angle is given, तो angle theta is equal to 30 degree, which implies that slope m is equal to tan 30 degree. m is equal to tan 30 degree कितना है? 1 upon root 3. तो slope की value कितनी होगी? 1 upon root 3. तो अब हमारे पास m आ गया और x1 y1 आ गया. तो यहाँ से मैं इस line की equation निकालूँगा. Equation of line क्या हो जाएगी? y minus y1 is equal to m into x minus x1. y minus y1 is equal to m into x minus x1. ठीक है? अच्छा, y minus y1 कितना है? 2. तो y minus 2 is equal to m कितना है? 1 upon root 3 into x minus x1. तो x minus 0, ये हो गया. अब y minus 2 is equal to, इधर बचा x upon under root 3. अब हम क्या करते हैं, इसको rationalize कर देते हैं. denominator में कभी भी root order नहीं होना चाहिए, तो root 3 से नीचे multiply कर दिया और root 3 से ऊपर multiply कर दिया. तो ये हो गया y minus 2 is equal to root 3 x upon 3. 3 को इधर ले आओ, तो 3 into y 3, y 3 into minus 2 is minus 6 is equal to root 3x. root 3x को इधर ले आओ, तो minus का root 3x plus का 3y minus 6 is equal to 0. हम ax plus by plus c is equal to 0 की form में इसको लिखते हैं. तो पहले x वाला term, फिर y वाला term और फिर constant term is equal to 0. तो ये इसकी equation हो गई. उसके बाद बताइए question number 7 और question number 8 भी शायद आपको दिया था. Question number 8 तक दिया था और शायद 9th नहीं करवाया ना अभी. नाइन नहीं करना. क्वेश्चन नंबर 8 बता दीजिए, हो गया सभी से? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक मैं मानकर चलूँ कि हो गए. ठीक है, चलिए जी. तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. अच्छा, 9 तो छोड़ो जरा, हम वही करेंगे जैसे हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे थे ना. तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 करवा था. हाँ जी, इस क्वेश्चन में हम स्लोप इंटरसेप्ट ला सकते हैं ना, 9th वाले में? नहीं, हाँ, यहाँ पर y is equal to mx plus c लगाया जा सकता है. बहुत सही बात है, क्योंकि जो लाइन है ये y एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगी वहाँ से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड c. वो हमारा फिफ्थ में स्लोप इंटरसेप्ट कैसे लगाओगे? तो y का जो m ब्रैकेट में x माइनस d. अच्छा ठीक है, वो आपने x इंटरसेप्ट वाला कर लिया. ठीक, कर सकते. ठीक, चलिए जी. उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19. मैंने 20 देखा था लास्ट टाइम, उसके बाद 19 वाला शायद नहीं देखा है. 19 वाला नहीं देखा है. पॉइंट आर एच के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट. शुरुआत के क्वेश्चन जब हम देखते हैं ना, शुरुआत में जब हम चलते हैं तो शुरुआत के क्वेश्चन हो जाते हैं पहले, लास्ट वाले कर लेते हैं. लास्ट वाले थोड़े से टफ पड़ेंगे. तो 19 वाला देखिएगा. पॉइंट आर एच कोमा के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सीज, डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट between the axes in the ratio 1:2, find the equation of the line. Find the equation of the line. ये वाले दोनों क्वेश्चन क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले बताइए. ऑनलाइन आवाज नहीं आ रही उधर से. अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए. 19 में ये बोल रहे हैं पॉइंट आर एच कॉमा के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस. बिटवीन द एक्सिस का मतलब क्या है? कि लाइन कुछ ऐसी है जो मतलब दोनों एक्सिस को काटती हुई, इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है. और बिटवीन द एक्सीज, एक्सीज के बीच में कोई एक पॉइंट है आर और उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एच कॉमा के, ये दे रखा है. तो लाइन जो है वो आप ऐसी बनाओ जैसा हम
हर फॉर्म में हमने जिस तरीके की लाइन बनाई थी, ये तो वाई एक्सिस हो गया, वाई और वाई डैश, ये एक्स और एक्स डैश, और ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। अब ये बोल रहे हैं ये पॉइंट आर एच के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशो 1:2, बिटवीन द एक्सिस इन द रेशो 1:2। तो हमने माना कि ये पॉइंट है आर एच कॉमा के, और ये 1:2 के रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ वाला पॉइंट और यहाँ वाला पॉइंट ये मैं कुछ मान लेता हूँ। हमने ये करा कि ये वाला जो पॉइंट है इसको मान लो की, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस पर है तो इसमें एक्स की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। तो इसको लिखो 0, y1, 0, y1। और इसी तरीके से जो ये वाला पॉइंट है क्यू, ये एक्स एक्सिस पर है तो इस पर वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसको मानो एक्स वन, बल्कि एक्स टू लिखो, इसको एक्स टू कॉमा जीरो, ठीक है। और जो पॉइंट है आर एच कॉमा के, ये इस लाइन को 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फार्मूला याद आ गया होगा, सेक्शन फार्मूला। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है पी, पी के कोऑर्डिनेट्स को मान लो x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स को मान लो x2 y2, और जो ये रेशो है ये क्या हो जाता है, m1:m2 ये हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि x1 y1 और m1 ऊपर लिख रहा हूँ, x1 y1 m1, इनकी वैल्यूज लिखेंगे। ये जो है इसको मान लीजिए x1 y1, तो x1 कितना हो गया 0, x1 हो गया 0, और y1 जो है वो y1 ही है। तो x1 को बोल दो 0, y1 को बोल दो y1, और m1 कितना है, 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है ना, तो m1 क्या हो गया 1। इसी तरीके से लिखिएगा x2 y2 और m2। अब x2 y2 कितना है, x2 तो x2 ही है और y2 है 0, तो x2 तो है x2, y2 है 0, और m2 कितना है 2 है। By using section formula By using section formula, coordinates of R R के coordinates वैसे क्या दे रखे हैं, h, k। देखिए है क्या कि मैं ना यहाँ पर करना क्या चाह रहा हूँ, मुझे तो ये जो लाइन दे रखी है ना पूरी, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक और दो, ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स में ना एक एक अननोन वैल्यू है। यहाँ पर y1 दे रखा है, y1 अननोन है, यहाँ पर x2 जो है ये अननोन है। तो अगर मान लो मेरे पास x2 आ जाए और y1 आ जाए, इन दोनों की वैल्यू आ जाए, तो मेरे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे, और दो पॉइंट्स आते ही मैं टू पॉइंट फॉर्म लगा दूंगा और लाइन की इक्वेशन निकाल दूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें सेक्शन फार्मूला यूज करके मैं y1 की और x2 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर क्या है, h, k। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर h, k ये दे रखे हैं, और वैसे सेक्शन फार्मूला से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2 = h, k। तो ये समझ लीजिए h और k कोई अननोन वैल्यूज नहीं है, h और k दे रखा है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो h और k के टर्म में आ सकता है, ठीक है। तो देखिएगा
एम वन एक्स टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज लिखने का ये फायदा हो जाता है कि हम कहीं किसी सही नंबर को गलत से मल्टीप्लाई ना करते हैं। तो एम वन एक्स टू तो वन इंटू एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन, तो एम टू यानी कि टू और एक्स वन कितना जीरो, टू इंटू जीरो अपॉन एम वन प्लस एम टू यानी कि वन प्लस टू, कॉमा एम वन बाई टू, एम वन बाई टू कितना है वन इंटू जीरो प्लस एम टू वाई वन, तो टू इंटू वाई वन, टू इंटू वाई वन अपॉन वन प्लस टू इज इक्वल टू एच कॉमा के, ये हो गया टू इंटू जीरो कितना हो गया टू हो गया, वन इंटू एक्स टू इज एक्स टू, एक्स टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू टू वाई वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू एच कॉमा के। इसका मतलब क्या है कि एक्स टू अपॉन थ्री तो एच के इक्वल हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट एक्स टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू एच एंड टू वाई वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू के, टू वाई वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू के। तो यहाँ से एक्स टू की वैल्यू तो आ गई थ्री एच और y1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3k अपॉन 2, y1 की वैल्यू आ गई 3k अपॉन 2। तो x2 और y1 ये दो जो अननोन्स थे इनकी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हम ये कहेंगे नाउ नाउ we get two points, now we get two points lying on this line, lying on this line, मेरे पास दो points आ गए। तो p हो गया 0, y1, p हो गया 0, y1 की value क्या है 3k by 2 एंड q ये क्या है x2 कॉमा 0, x2 की वैल्यू है 3h, तो 3h कॉमा 0 बाई यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, बाई यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन equation of line PQ, ये क्या होगी y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1 into x minus x1, ये हो गया। अब देखिएगा values डालिए, y minus y1 की value कितनी है, ये x1 y1, तो y1 की value कितनी है 3k by 2, y माइनस 3k by 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 है 0, y1 है 3k by 2, तो 0 माइनस 3k by 2 अपॉन x2 माइनस x1, x2 है 3h और x1 है 0, 3h माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई x माइनस x1, तो x माइनस x1 कितना है 0, ये हो गया। अब y माइनस 3k by 2 is equal to 0 minus 3k by 2 is minus 3k by 2 और 3h minus 0 is 3h। जब हमारे पास numerator और denominator में, numerator में एक rational function है, denominator में केवल 3h है, तो इसको rational बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि 3h upon 1 लिख देंगे यहाँ, और x minus 0 का मतलब x हो गया। ऐसा क्यों करा, जब हमारे पास कोई भी rational expression है और उसमें numerator में भी numerator upon denominator और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म दे रखा है, तो उसके नीचे वन लगा कर उसको भी आप रैशनल एक्सप्रेशन बना दो, उससे होगा क्या, सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है और बीच वाले टर्म्स जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। ठीक है, इस तरफ कर रहा हूँ उसको मैं आगे, तो जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में y माइनस 3k बाय 2 है, जरा इसका एलसीएम लीजिए, तो 2y माइनस 3k अपॉन 2 हो गया
2y माइनस 3k अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई हो गया आपस में, न्यूमरेटर में आ गया माइनस 3k इंटू 1 माइनस 3k इंटू 1 और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो 2 इंटू 3h ठीक है और मल्टीप्लाइड बाई x, इधर भी 2 है इधर भी 2 है ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करिए ये जो 3 अच्छा ये हो गया हमारे पास 2y माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 3k अपॉन 3h इंटू x। अब इस 3 से 3 भी कट गया और ये जो h है इस h को इधर ले आओ तो h जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2hy माइनस h जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 3kh is equal to minus kx। अब इसको k वाले को भी x वाले को भी इधर ले आओ तो पहले x वाली टर्म यानी कि प्लस का kx फिर y वाली टर्म यानी कि 2hy और फिर माइनस 3kh is equal to 0। तो ये हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ गई ठीक है। एक बार पीछे चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 10.2 का टू के एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू 3kh तो अपना ठीक है 2kx प्लस एच वाई ये कुछ गलत कराएगा आपने 2kx माइनस kx ही तो आ रहा है देखने कहीं कुछ मिस्टेक हुई है क्या ये जो रिजल्ट आया ये ठीक है हमारा भाई हमने x1 y1 इसको मान लिया x2 y2 इसको मान लिया h और k ये हो गया 1 और 2 ये हो गया है ना तो m1 x2 यानी कि 1 into x2 और m2 x1 2 into 0 upon 1 plus 2 1 plus 2 ये हो गया फिर m1 y2 यानी कि 1 into 0 ठीक है प्लस m2 y1 मतलब 2y1 upon 1 plus 2 is equal to h, k ठीक है और ये हो गया हमारे पास x2 upon 3 is equal to 2y1 upon 3 is equal to h, k x2 की वैल्यू आ गई 3h और इधर y1 की वैल्यू आ गई 3k by 2 x1 y1 तो ठीक आ रहा है हमारा। अब x1 y1 हो गया 0 3k by 2 और 3h, 0 0 3k by 2 3h, 0 y minus y1 यानी कि y minus 3k by 2 is equal to y2 minus y1 तो 0 minus 3k by 2 0 minus 3k by 2 ठीक है और 3h minus 0 3h ये भी ठीक है minus 3k by 2 और 3h plus 1 ये हो गया minus का 3k minus का 3k into 1 3h into 2 3h into 2 इधर एलसीएम लेंगे तो 2y माइनस 3k हो जाएगा 2y माइनस 3k 2 से 2 कट गया और ये बचा माइनस 3k अपॉन 3h 3 से 3 कट गया माइनस k अपॉन h इंटू x h को इधर ले आइए तो 2hy ये बिल्कुल ठीक है और माइनस 3kh वो उनका भी ठीक आ रहा है प्लस 3kh उन्होंने राइट हैंड साइड में करके दिखा रखा है तो 2k हमारा आ रहा है kx plus 2hy और इनका आ रहा है 2kx plus hy ऐसा क्या देखिए मुझे लगता है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है हमने गलती तो कहीं करी नहीं 10.2 आप एक बार देख लो आपके बुक में भी यही है क्या आंसर आंसर एक बार चेक करो मेरे में दे रखा है 2kx plus hy is equal to 3kh यही है पता नहीं भी कैसे हमारा वैसे जो मुझे लगता है 99% मैं श्योर हूँ कि हमारा ठीक है कहीं पर कोई मिस्टेक हुई नहीं है ठीक है फिर भी अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा लेकिन यही है आंसर यही है जहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना जाएगा ये वाला बताइए भाई ऑनलाइन वाले बताएं क्लियर है ठीक है x और y की वैल्यू क्या x की आ रही है इसमें 3 upon 2h और y की आ रही है 3k इन्होंने सर 1 और 2
अच्छा वन इधर और टू इधर इस तरीके से ले लिया, कोई बात नहीं अपना भी ठीक है, अपना भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऐसा कुछ दे नहीं रखा। इन्होंने ये बोला है कि पॉइंट आर एच के डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2, बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2 फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सिस 1:2। तो क्या हमें 1 और 2 इधर ऐसे लेना चाहिए था क्या? एक्सिस की जब बात करते हैं तो पहले एक्स होता है कोऑर्डिनेट, फिर वाई होता है। चलिए मैं कंफर्म करके बताऊंगा, वैसे हमारे हिसाब से ठीक है वैसे ये, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो वो ये गलती हुई होगी कि 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, इस वजह से लिया होगा कि वो बिटवीन द एक्सिस बोल रहा है। एक्सिस का मतलब क्या होता है कि एक्सिस की प्लूरल फॉर्म। तो एक्सिस जब भी कभी हम बात करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, तो पहले एक्स की बात करी जाती है फिर वाई की बात करी जाती है। तो शायद इस वजह से उन्होंने ये वाला रेशो 1 और ये वाला 2 लिया होगा, उसकी वजह से 2kx + hy आ रहा है। ठीक है, मैं कन्फर्म बता दूंगा आपको कि ऐसा ही करना है या जो हमने करा है वो ठीक है। ठीक है, चलिए खैर कंसेप्ट तो समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। अब वो बोल रहे हैं PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, शो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x/a + y/b इज इक्वल टू 2। ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूं। देखिएगा PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। अब जो लाइन है वो ऐसे है और यहां पर बीच में एक पॉइंट दे रखा है PAB, PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस। अब जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में रेशियो का कोई चक्कर नहीं है, मिड पॉइंट पे तो 1:1 होता है रेशियो। ठीक है, तो जब रेशो इक्वल होता है तो फिर तो दोनों बराबर ही हैं, कोई इसमें तो फिर ये वाली गड़बड़ नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए PAB दे रखा है, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हम क्यू मान लेते हैं, इसको x1, 0 ये कह देते हैं, और जो ये वाला है इसको r मान लीजिए। तो ये y एक्सिस पर है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0, तो 0, y2 ये मान लेते हैं। और अब वो कह रहे हैं कि आपको प्रूफ करना है कि इस लाइन की इक्वेशन x/a + y/b इज इक्वल टू 2 होगी। ठीक है, x/a + y/b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आप ये कहिएगा कि y मिड पॉइंट थ्योरम (0+x1) (0+x1/2, y2+0/2) is equal to (a, b)। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसका मिड पॉइंट (a, b) दे रखा है। तो 0+x1/2 क्या हो गया (x1/2), ऐसे ही (y2+0/2) क्या हो गया (y2/2) is equal to (a, b)। तो (x1/2) a के इक्वल हो गया एंड (y2/2) जो है वो b के इक्वल हो गया। अभी 2 इधर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू आ गई 2a और y2 की वैल्यू आ गई 2b। x1 और y2 की वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब क्या करें, x1 की वैल्यू कितनी आ गई 2a, तो x1 की वैल्यू मतलब यहां से लेकर यहां तक वाली लेंथ 2a हो गई, इसको क्या बोलते हैं x इंटरसेप्ट, और यहां से यहां तक वाली जो वैल्यू है ये क्या हो गई
टू बी, इसको क्या बोलेंगे, बाई इंटरसेप्ट। तो बाई इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है लाइन की, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। तो बाई इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन x upon a plus y upon b is equal to 1। small a और small b क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि small a और small b यहाँ पर already coordinates दे रखे हैं। तो जो हमारा ये जो length आई है 2a, ये किसके equal है, ये x intercept। x intercept मतलब कोई भी line x axis को जहाँ पर काटती है वहाँ से origin तक का distance is called x intercept। तो वो x intercept कितना है, 2a। तो x upon 2a प्लस वाई अपॉन, फिर वही देखिए कि वाई इंटरसेप्ट, कोई भी लाइन वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पर इंटरसेप्ट करती है वहां से ओरिजिन तक का डिस्टेंस इज वाई इंटरसेप्ट, और वो कितना है, 2b इज इक्वल टू 1। तो दोनों के डिनोमिनेटर भी 2 है, 1 अपॉन 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये 2 यहां डिनोमिनेटर में, इसको यहां ले जाओ, तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17 जरा देखो एक बार, हो पाएगा कि नहीं, मुझे एक मिनट दो, एक मिनट में आ रहा हूँ। चलिए जी, अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी। द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज 40 पर लीटर, तो एंड 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज 16 पर लीटर। अज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट रुपीज 17 पर लीटर। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि कोई एक चीज़ के साथ में दूसरी चीज़ का जो रिलेशन है वो अगर आप कोई और आपको क्वांटिटी मिले तो भी वो रिलेशन सेम ही फॉलो होता है। जैसे क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए, वो बोल रहे हैं कि अगर 14 रुपीज़ पर लीटर था मिल्क, तो वो 980 लीटर्स बेच पा रहा है मिल्क, वो 980 लीटर्स बेच पा रहा है एक वीक में। अब इन्होंने बोला कि जो रेट है उसका, मिल्क का जो रेट है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये जरा पुराने ज़माने की बुक है तो इसलिए इतना सस्ता नहीं होता मिल्क, तो ये 16 रुपीज़ 16 पर लीटर जो है ये है
तो वो बोल रहे हैं कि 1220 लीटर फिर वो बेच पा रहा है, इसका मतलब अगर दाम बढ़ गया 2 रुपए तो फिर वो और ज़्यादा बेच पा रहा है, तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। ठीक, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि अच्छा 1 रुपया और बढ़ा दो, मतलब 17 रुपीज़ पर लीटर अगर मिल्क हो जाए तो फिर वो कितना मिल्क सेल कर पाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे यूज़ करेंगे हम, इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाकर निकाल लेंगे वैल्यू। हम एक जो चीज़ है, जैसे मान लीजिए ये दे रखा है 14 पर लीटर, ठीक है, तो ये जो रेट है ना, रेट को तो एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर देंगे और जो क्वांटिटी है क्वांटिटी को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर देंगे और फिर इक्वेशन बना लेंगे उसको। देखिए कैसे करना है, लेट द रेट ऑफ मिल्क पर लीटर, लेट द रेट ऑफ मिल्क पर लीटर बी रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड इन अ वीक बी रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस, बी रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस। बल्कि ऐसे वाला ग्राफ बना लूँ, मुझे नेगेटिव साइड चाहिए क्योंकि मुझे पता है क्वांटिटी भी नेगेटिव नहीं होने वाली और रेट भी नेगेटिव नहीं होने वाले, तो पॉजिटिव ही मिलेगा एक्स भी और वाई भी पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इधर तो वाई एक्सेस हो गया, इधर एक्स एक्सेस हो गया, और इन्होंने क्या बोला है कि अगर वो 14 रुपीज़ पर लीटर है तो वो कितना 980 लीटर्स ऑफ मिल्क बेच पाता है। तो आप यहाँ पर शो कर दीजिए कि ये वैल्यू 14 है और एक ये ऐसे लाइन बन रही है, लाइन ऐसे नहीं दिखाएंगे, लाइन इंक्रीजिंग स्लोप वाला दिखाएंगे ऐसे। ऐसे दिखा दो, मैंने ये कहा कि अगर 14 है तो वो कितना मिल्क बेच पा रहा है, 980, ठीक है, और अगर उसकी कीमत बढ़कर 16 हो जाती है तो वो कितना बेच पा रहा है, 1220। कितना हो गया, इसके बाद देखिएगा कि हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट हो गया 14,980 और एक पॉइंट हो गया 16,1220। हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, तो बाय यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, ये है, ठीक है, तो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, तो y minus y1 कितना है, 980, y minus 980 is equal to y2 minus y1 1220 minus 980 upon x2 minus x1 मतलब 16 minus 14 और x minus x1 तो x minus 14 ये हो गया, y minus 980 is equal to 1220 minus 980 कितना हो जाएगा, 240 और 16 minus 14 कितना हो जाएगा, 2 multiply by x minus 14।
और ये कितना हो गया 120, ठीक है। y माइनस 918 इज इक्वल टू, एक्सपेंड करिए 120x माइनस 14 जीरोस आर 0, 14 टू आर 28, टू कैरी 14 वन्स आर 14 और 216, 120x माइनस 1680, ठीक है। अच्छा, हमसे लाइन की इक्वेशन नहीं पूछी गई इस क्वेश्चन में, हमसे सिर्फ वो ये बोल रहे हैं, assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? तो रेट जो दे रखा है वो अब 17 पर लीटर, यानी कि x की वैल्यू अगर 17 है तो y की वैल्यू बता दो कि कितना मिल्क वो सेल कर पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा y इज इक्वल टू, आप इसको y की वैल्यू निकालिए सीधे सीधे, वो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। माइनस 980 को उस तरफ ले जाइए, ये हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू 120x माइनस 1680 माइनस 1680 और प्लस 980, तो y इज इक्वल टू 120x और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 700, वो भी माइनस का, तो माइनस का 700 आ गया। तो ये तो वो लीनियर रिलेशनशिप आ गई सेलिंग प्राइस में और डिमांड के बीच में, लीनियर रिलेशनशिप। फिर वो बोल रहे हैं हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल एट रुपीज 17 पर लीटर इफ एक्स इज इक्वल टू रुपीज 17 पर लीटर, मतलब अब मिल्क की कॉस्ट है रुपीज 17 पर लीटर, तो वाई कितना होगा, वाई इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाई 17 माइनस का 700, तो y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए 17 टू जा 34, 3 कैरी आ गया, 17 वन जा 17 और 3 20, 2040 माइनस 700, तो कितना हो जाएगा 1260, हाँ नहीं 1340 हो जाएगा ना, इतना लीटर वो मिल्क बेच पाएगा, ठीक है। मतलब दाम बढ़ता जा रहा है तो डिमांड भी बढ़ती जा रही है, कुछ उल्टा ही चल रहा है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17 था ये, इसका भी एक बार आंसर चेक कर लीजिए, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 17, 1340 लीटर्स, ठीक है। फिर देखिएगा 16 में दिया है इन्होंने, द लेंथ एल इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर, इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर इन एन एक्सपेरिमेंट इफ एल इज इक्वल टू 124.942 एंड सी इज इक्वल टू 20 एंड एल इज इक्वल टू 125.134 एंड सी इज इक्वल टू 110 एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी। तो ये लीनियर रिलेशनशिप ही होती है इसमें, जब भी कभी हम किसी मेटल की बात करते हैं ना, तो मेटल को धीरे धीरे जब गर्म करते हैं तो मेटल एक्सपेंड होना शुरू होता है, तो इसलिए टेम्परेचर का और मेटल की लेंथ का उन्होंने रिलेशनशिप बताया है कि अगर आपने उसको गर्म करना शुरू करा तो वो एक्सपेंड होगा। तो दो चीज़ें बोली हैं, जैसे यहाँ पर रेट था और क्वांटिटी थी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर है और लेंथ है कॉपर रॉड की। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, द लेंथ एल इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर कैपिटल सी इन एन एक्सपेरिमेंट इफ एल इज इक्वल टू 124.942। आप क्या करिए, एल की वैल्यू एक दे रखी है 124.942 सेंटीमीटर, ये लेंथ दे रखी है कॉपर रॉड की, और टेम्परेचर जब कितना था सेल्सियस टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ये दे रखा था, ठीक है। उसके बाद है लेंथ बढ़कर हो जाएगी 125.134 सेंटीमीटर, जब आपका सेल्सियस टेम्परेचर बढ़कर कितना हो जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे पास क्या हो गया x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो आप क्या करें, वो बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, इसका मतलब आपको L को C के टर्म्स में बताना है, तो ये जो L है इसको आप ट्रीट करिए X की तरह और ये जो C है इसको ट्रीट करिए Y की तरह, ठीक है। और पहले निकालें इक्वेशन ऑफ लाइन
इक्वेशन ऑफ लाइन, और मैं एक्स और वाई ना लेकर सी और एल ही ले रहा हूँ, ठीक है, सी और एल ही ले रहा हूँ, तो क्या होगा इक्वेशन, ये वाई की तरह है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन का मतलब क्या हो गया, सी माइनस सी वन, वाई माइनस वाई वन की जगह सी माइनस सी वन लिखें, सी माइनस सी वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई क्या है सी, तो सी टू माइनस सी वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब एल टू माइनस एल वन, एल टू माइनस एल वन, और ब्रैकेट में लिखे एल माइनस एल वन, ठीक है, इन पर आप सब्सक्रिप्ट लगा दीजिए एल वन सी वन और एल टू सी टू ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, तो c माइनस वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये हो गया, अब वैल्यूज डालिए अपने आप इक्वेशन बन जाएगी, तो c माइनस सी वन, सी तो सी ही रहेगा और सी वन कितना है 20, तो c माइनस 20 is equal to c2 minus c1 upon l2 minus l1, तो c2 minus c1 110 minus 20 upon l2 minus l1, l2 minus l1 125.134 125.134 minus 124.942 into L minus L1, तो L minus 124.942 L minus 124.942, ठीक है, तो ये हो गया C minus 20 is equal to 110 minus 20 कितना हो गया 90 अपॉन, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, 13 माइनस 4 हो गया 9, इधर बचा 0, 10 माइनस 9 कितना हो गया 1, इधर बचा 4, तो ये 0.192 ये आ गया, ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये हमारे पास है L माइनस 124.942 ये, अब वो बोल रहे थे कि आपको L निकालना है C के टर्म्स में, X प्लस L इन टर्म्स ऑफ L इन टर्म्स ऑफ C, इसका मतलब आपको L की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.192 इंटू C माइनस 20 इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करो 90L माइनस 90 इंटू दिस करेंगे, तो एक तो इसका जीरो हटा दो, जीरो जब हटाएंगे तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये एक प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा, जब 10 मल्टीप्लाई करते हैं किसी ने भी तो डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाता है, और 10 से डिवाइड करते हैं तो वो लेफ्ट में एक प्लेस शिफ्ट हो जाता है, तो अब जरा देखिए अब मल्टीप्लाई करिए 9 2 18 वन कैरी आ गया, 9 4 36 और 1 37 3 कैरी आ गया, पॉइंट इधर आ चुका है तो पॉइंट लगा दिया मैंने, ठीक 9 2 18 वन कैरी आ गया था, 9 4 36 और 1 37 3 कैरी आ गया, 9 9 81 और 3 84 8 कैरी आ गया, 9 4 36 और 8 36 और 8 44 4 कैरी आ गया, 9 2 18 और 4 22 2 कैरी, 9 1 9 और 2 11 11 2 44.78 ठीक है, इतना आ गया, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करिए तो जैसे ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 0.192c, और जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो अगेन ये जीरो काट दो और ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 2 4 2 9 18 2 1 2 और 1 3 3.8 वो भी माइनस का, इज इक्वल टू 90L माइनस 1 1 2 4.78, इसको इधर लेकर आइए, कोई बात नहीं चलेगा,
कोई बात नहीं, एसिडिटी का थोड़ा लंबा हो गया, आप क्या करें आप इसको इधर ले आइए, तो 90L is equal to 0.192C, और जब इसको इधर लेकर आओगे तो प्लस का 11244.78 और माइनस माइनस का 3.84, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर नीचे लिख रहा हूँ माइनस का 3.84। अब क्या करिए, एल इधर इधर ले आओ 1/90 और ब्रैकेट में ये लिख दीजिए 0.192C, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 8-4 कितना हो गया, 8-4 इज 4 और 17-8 इज 9, इधर आ गया 3-3 इज 0, 1124 प्लस का 11240.94, तो एल जो है हमारा वो सी के टर्म्स में, इस तरह से हमारा थोड़ा एक्सपेंडेड है उनका थोड़ा सा शॉर्ट होगा। ठीक, चलिए जी, इसके बाद आप क्या करिएगा, 9 से लेकर जो 15 वाले हैं ट्राई करना, अगर एक भी नहीं आता है समझ में सारे भी करवा दूंगा, लेकिन ट्राई जरूर करना इनको क्वेश्चन को। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, और मैं ना 7 बजे तक मैं मैसेज डाल दूंगा कि फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास मैं ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, कल का पूरी तरह से ऑफ रहेगा, कल मैं नहीं हूँ यहाँ पर, घर जाना मुझे, मैं नहीं हूँ। ठीक है, चलिए आज इतना।